गराज क्यों नहीं है आपके पास? हैं? चले पहले वगैरह कोई। हेलो दोस्तों, एक और स्नो डे में आपका स्वागत है। बट आज टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, लास्ट वीक से काफ़ी बेटर हो गया है और मैंने खूब सारी डीक्लटरिंग स्टार्ट करी है। दोस्तों, बहुत सारे बैग्स हैं हमारे पास पीछे रखा हुआ है, वो सब जा रहे हैं हम डोनेट करने के लिए वैल्यू विलेज। वैल्यू विलेज के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया कि ये सेकेंड हैंड शॉप है यहाँ का, US कैनेडा हर जगह इसके ब्रांचेस हैं और आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो। फिर वो कूपन भी देते हैं कुछ और लेने के लिए, और स्पेशली बुक्स, बच्चों के टॉयज, होम डेकोर की चीज़ें सेकेंड हैंड काफ़ी अच्छी मिलती हैं अगर आप चेक करना चाहो तो। स्पेशली बुक्स यस। तो चलो अभी खूब सारा पुराना सामान डोनेट करके आते हैं। और मुझे कोई भरोसा नहीं इन्होंने नया भी डोनेट किया होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करती हूँ मैं, पर हमारे घर में इकट्ठा करने वाले ये हैं और मेरा होता है कि नहीं यूज कर रहे हो डोनेट कर दो ताकि लोग यूज कर सके और मैं नया ले सकूं। देखो भाई, मैं सिर्फ अपने सामान की बात करता हूँ कि हाँ मेरा सामान मत दिया करो, अपना सामान तो तुम जो मर्जी दे दो। जोरों शोरों से डीक्लटर चल रहा है दोस्तों। क्यों चल रहा है उसका जवाब आपको कुछ हफ्तों में मिलेगा, तो गेस करना चाहते हो तो करो, बिंदास करो। मैं सिर्फ ऐसे से बात करूंगी, ऐसे से। हाँ भाई, ये देखो दोस्तों, कोई इसकी कहानी मैं आराम से आपको बताऊंगी घर आके। तब बता देती हूँ कि हमारे ऑफिस की तरफ से सेल्फ केयर डेट था, तो हमारी पूरी टीम गई थी नेल स्पा के लिए, मैनिक्योर पेडिक्योर, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, वो नेल एक्सटेंशन भी करा रहे थे। मैंने आज तक नहीं कराया है, तो सबने बोला करा लो, तो मैंने सोचा कि चलो एक्सपीरियंस लेके देखते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस वापस आके शेयर करती हूँ। अनुज को साग इतना ज़्यादा पसंद आया कि फिर से दिग्या सुपर स्टोर में तो लेके आ गए, और धनिया तो लेके आती हूँ जब भी मिलता है, मैं 2-3 बंच ले आती हूँ, और अनियन का ना बहुत बड़ा पैक लेके आए हैं अनुज, रेड अनियन का। तो मैं सोच रही हूँ अनियन पिकल डालूंगी, बहुत सिंपल होता है वो तो, बट बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हर एक चीज़ के साथ आप सिंपल दाल चावल हो और उसके साथ आप वो अनियन सिरके वाला होता है ना, वो खाओ बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें मिर्ची भी डालो ना, वो भी टेस्टी लगता है, पर जो मिर्ची हमारे पास है ना फ्रोजन वाली, वो बहुत तीखी है, तो इसलिए मैं हैलोपिनो लेके आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, बट एक मिर्ची का जो किक होता है वो चाहिए होता है ना, वो होता है, तो इसका अचार भी अच्छा लगता है, तो ये डालूंगी मैं। और कोई छुप छुप के क्या लेके जा रहा है? अनुज का ये फेवरेट है और केयूष का भी ये फेवरेट, ये छुप छुप के खाता है। ये नहीं खाना चाहिए बेटा, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, इतना सा लिया तो मुझे दिखा तीखा है, इस टाइम पे नहीं लगता इसको तीखा, और खाने में तीखा डाल दो तो मिर्ची है, मैं नहीं खाऊंगा खाना। मैं भी ऐसे ही करती थी, जब खाना बनता था तीखा बन गया और पसंद वाली सब्जी नहीं है तो तीखा है, और बाजार का चिली चिकन खाते टाइम मुझे कोई तीखा नहीं लगता था। आई थिंक सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। और मैं सोच रही हूँ सूप बनाने का, इस बार विंटर में तो सूप बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो स्टॉक बना के रखूंगी, वेजिटेबल स्टॉक। तो उसके लिए सेलरी बहुत अच्छा होता है, चिकन स्टॉक भी बना रहे हो ना उसमें भी आप सेलरी ऐड कर दो, अच्छा रहता है। कॉस्को से ये पाव भाजी बंस लेके आए थे, वहाँ पे फ्रेशली बेक करते हैं, वो अच्छे होते हैं, थोड़ी मिठास होती है इसमें, बट सब अच्छे से खाते हैं, तो मैं ये वाला लेके आती हूँ। तो कैप्सिकम तो लेके आई नहीं क्योंकि कॉस्को में नहीं मिलता ग्रीन कैप्सिकम, बट मुझे याद था कि है फ्रिज में, तो थोड़ा सा है, काम चल जाएगा। और बंस देखते ही मुझे आइडिया आया, तो डिनर सॉर्टेड है, पाव भाजी बना लेंगे। यहाँ पे इंस्टेंट पॉट में बॉयल कर लिया है आलू गोभी गाजर और थोड़ा सा बीटरूट, 7 मिनट्स के लिए किया था। और तड़के के लिए अदरक लहसुन प्याज एक साथ ही ग्रेट कर लिया है, खूब सारा कैप्सिकम और मिर्ची। अदरक लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई
हो गया है तो खूब सारा टमाटर ऐड कर दिया है। दोस्तों आज है अगले दिन की सुबह, रविवार की सुबह, हैप्पी संडे। वीकेंड तो कैसे आता है कैसे जाता है ना पता ही नहीं चलता। फ्राइडे इवनिंग बहुत अच्छा लगता है और संडे आते आते लगता है अरे ख़त्म हो गया। और हाँ, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि लिप्स में क्या हुआ, तो वो कोल्ड सोर्स टाइप का होता है ना, वो हो गया है, बहुत टाइम बाद हुआ। मुझे हो जाता है सेम इसी प्लेस पे, साल में एक बार ही तो होता ही है, बट इस बार बहुत टाइम बाद हुआ, थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगता है। बोरोलिन लगा रही हूँ, जगत उपाय हमारे घर में यही होता है, मोस्टली बंगालीज के घर में इट्स वेरी रिलेटेबल, बोरोलिन होता ही है। और कहीं भी कट गया, जल गया, कुछ भी हो गया, बोरोलिन लगा लो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बोरोलिन। एनीवेज, मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि ये नेल एक्सटेंशन मैंने कराया है, फर्स्ट टाइम कराया है। मुझे देखने में बहुत सुंदर लगा, नेल पेंट का कलर बहुत प्यारा है। आगे जाके कभी मुझे नेल पेंट लेना पड़ा ना तो मैं यही लूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। पेडिक्योर मैनीक्योर था और वही फ्रेंड्स करा रहे थे तो सबने बोला कि तुम भी कराओ, मैंने करा लिया। मैंने भी सोचा कि चलो एक्सपीरियंस ले लेते हैं, एक बार ही तो सब कुछ करा के पता होना चाहिए। बट ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। मे बी बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम कराया, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। एकदम भारी भारीपन लग रहा है फिंगर्स में, काम करते टाइम बहुत ज़्यादा अनईजी हो रहा है। थोड़ा सा मुझे हाइजीन का भी लगा, क्योंकि हम खाना बनाते हैं ना, चीज़ों को हाथ से होल्ड करते हैं। इनफैक्ट जो कर रही थी वो, मैंने उससे पूछा कि कितने लंबे टाइम तक ये सही रहता है, टचअप कब कराना पड़ता है, तो बोलती है कि डिपेंड करता है आप क्या करते हो। तो मैंने बोला आई कुक एवरी डे, तो बोलती है कि नहीं कुक मत करना, अभी कुछ दिन अपने हॉबी को साइड रखो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बट कुकिंग हमारे लिए हॉबी थोड़ी ना है, वो तो ज़रूरत है, नीड है, तो करनी ही पड़ती है। तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम शायद ना कराऊँ। और हाँ, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव तो होती हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं मैनीक्योर पेडिक्योर कराया था, तब मैंने नेल एक्सटेंशन नहीं कराया था, वो ग्रीन नेल पेंट जब लगवाया था तब भी मुझे कुछ कॉमेंट्स आए थे कि यहाँ पे क्या इतना एक्सपेंसिव होता है कि आप जॉब भी करते हो फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पता है, इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज। ऑफकोर्स जब आप जॉब कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत स्पेंड ज़रूर करना चाहिए, बट डिपेंड करता है वो थोड़ा बहुत क्या है। लाइक, आपकी खुशी का होना चाहिए, है ना, दूसरों को अच्छा लगे या दूसरे करते हैं इसलिए नहीं कराना, आपको वो करके अपने ऊपर वो अमाउंट स्पेंड करके आपको खुशी मिलनी चाहिए, जो हर एक के लिए अलग होता है। आपने सुनो अगर बहुतों को बोलते हुए कि वो कितना ट्रैवल करते हैं पैसा वेस्ट कर देते हैं, वो कितना मेकअप करती है पैसा वेस्ट कर देती है। नो, उनके लिए वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा पैशन ये नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रैवल कर रहा है वो पैसे वेस्ट कर रहा है, वो अर्न ही कर रहा है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वो उसका पैशन है। जो मेकअप करते हैं उनको वो करके खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, देन व्हाई नॉट। मेरा आपको पता है कि घर की डेकोरेशन की चीज़ें लेना, किचन की छोटी छोटी चीज़ें लेना, कपड़े, इन सब चीज़ों में मुझे खुशी मिलती है। और इसलिए मैं एवरी मंथ अपनी सैलरी में से एक छोटा सा अमाउंट ज़रूर रखती हूँ जो मैं अपनी खुशी से स्पेंड करती हूँ। थोड़ा सा अमाउंट अपने ऊपर भी स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लक्ष्मी जी आएंगी। जब अपने ऊपर आप स्पेंड करोगे, खुश होगे उस अमाउंट को स्पेंड करके ना, फिर आप और भी ज़्यादा अर्न करोगे। ये मन को बहलाने के ना सारे पंडे होते हैं। संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेते हैं। आज फॉर अ चेंज पराठा नहीं बनाएंगे, ये छोटे वाले आलू कॉस्को से लेके आई थी ना, तब से सोच रही हूँ कि आलू दम बनाऊंगी, बहुत टेस्ट लगते हैं छोटे वाले आलू के। तो आज हम आलू दम बनाएंगे, साथ में पूरी वैसे बहुत अच्छी लगती है, बट अगेन आज पूरी नहीं बनेंगे। खूब सारे पालक ऐड करके आटा गूंदूंगी और सिंपल सा पराठा बनाऊंगी। तो इंस्टेंट पॉट में छोटे वाले आलू प्रेशर कुक होने के लिए रख दिए हैं, हाई प्रेशर पे 3 मिनट्स के लिए। जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं ना, अनियन कट कर लेती हूँ। बताया था ना आप लोगों को कि अनियन पिकल बनाऊंगी, तो बहुत ही सिंपल होता है ये। वैसे भी अगर पिकल नहीं भी बनाना हो ना, तो ये जो रेड वाले अनियन होते हैं टेस्टी तो यही लगते हैं एज अ सैलड खाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ना।
आप इसको अगर आधे एक घंटे ठंडे पानी में डिप करके रख दो ना कट करने के बाद, तो इसका जो वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना, आंखों में लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो खत्म हो जाता है। तो आप एज अ सैलड बहुत अच्छे से खा सकते हो, उसके बाद नमक और नींबू का रस ऐड करके, फिर बहुत अच्छा लगता है। अनियन को अच्छे से अलग अलग कर लेना है। आधा कप पानी, डेढ़ कप विनेगर, आप चाहो तो एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हो, मैंने नॉर्मल वाइट विनेगर ऐड किया है। और फ्लेवर के लिए थोड़े से खड़े मसाले, काली मिर्च, स्टार अनीस, सिनेमन स्टिक और तेजपत्ता। नमक, चीनी, लाइक एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, बस इतना ही ऐड किया है। थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। आलू को नमक, हल्दी और मिर्ची डाल के हल्का सा सॉटे कर लिया था। ऊपर की एक कोटिंग आ जाती है, क्रिस्प सी कोटिंग, तो वो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। और जब हम ग्रेवी डालते हैं ना तो फिर मैश नहीं होते पोटैटोज, तो अच्छे लगते हैं। तो ये रेडी हो गया है। जिंजर ग्रेट कर लिया है, काफ़ी सारा अनियन भी ग्रेट कर लिया है और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और ये सुपर स्पेशल भाजा मौसला, इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, आप इसको बना के भी रख सकते हो, बट आई थिंक फ्रेश फ्रेश जब कूट के फिर आप सब्जी में डालते हो ना तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। तो हम इसको एज अ मसाला बीच में भी डालेंगे और बिल्कुल लास्ट में, जैसे गरम मसाला लास्ट में डालते हैं ना, उस टाइम भी ऊपर से भी डालेंगे। सरसों का तेल गरम हो गया है, इसमें जीरा और सूखी मिर्च ऐड किया है। हींग खत्म हो गया और अभी भी इंडियन स्टोर में हींग नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी सी हींग भी इसमें ज़रूर ऐड करना, अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। स्नोफॉल का टैप खोल के भगवान जी भूल गए, लास्ट दो तीन दिन से कंटिन्यूसली चला जा रहा है, बट टेम्परेचर इज गुड, -5 में बाहर आई, ठंडी लग रही थी उतनी, मैं सोचा कितना टेम्परेचर है, चेक किया तो -5 है, विच इज गुड, वेरी गुड। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? Walmart to get my gift because tomorrow's my birthday. कल गिरीश का बर्थडे है, तो मैंने उसको एक बजट दे दिया, बट वो पूरा बजट फिनिश नहीं करने वाला है अभी। हाँ। अभी एक छोटी सी चीज़ लेगा अपने बर्थडे के लिए और मुझे थोड़े डेकोरेशन के स्टफ़ लेने हैं डॉलर स्टोर से, तो वो लेके आते हैं जल्दी से। और ब्रंच तो हो गया है, अच्छे से खाना पीना हो गया है, घर आके चाय पियेंगे, चाय। हाँ, प्लीज पिलाना। ओके ओके। क्विक शॉपिंग हो गई, बहुत जल्दी आ गए थे हम, उसको वॉलमार्ट से ही कुछ लेना था छोटा सा। क्या लिया है ये? माइनक्राफ्ट विच कैरेक्टर विच लिया माइनक्राफ्ट, मतलब इसको बनाना था, है ना? Yeah. छोटे छोटे पीसेस थे तो आके बन भी गया, मैं ना ही छू तो अच्छा है, क्योंकि ये गिर जाता है, टूट yeah, जाता है और फिर वो सबको ब्लेम करता है कि मेरा तोड़ दिया। इट्स वेरी फ्रैजाइल, वेरी फ्रैजाइल बाबा, फ्रैजाइल टू केयर।
ले जा भाई अपनी चीजें, अभी मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। अनुज को बना के दे दिया, उनको ऑफिस का कुछ काम करना था तो वो नीचे बैठ गए हैं। लंच के लिए कुछ खासा नहीं बनाना है, तो दाल चावल मम्मी ने बना के रख दिया है और आलू की सब्जी तो है ही, और ये लोग समोसा लेके आ गए हैं वॉलमार्ट से। और आप लोग पूछ रहे थे कि उस कौन सी बुक रीड करता है और मैं कहाँ से लेती हूँ। हम लाइब्रेरी से बुक्स लेके आते हैं, यूएस कनाडा की ये बेस्ट चीज़ है। जब हम नए नए आए थे कनाडा में, मुझे अभी भी याद है, तब ये शायद डे केयर या स्कूल तो जाती नहीं थी, मैं पूरा पूरा दिन स्पेंड करती थी। लास्ट एक डेढ़ साल से बहुत कम हो गया हमारा जाना, इनफैक्ट प्रिंस जॉर्ज में आके तो मैं लाइब्रेरी कभी गई नहीं, क्योंकि येशा के बुक्स केयूश रीड कर लेता था और येशा स्कूल की लाइब्रेरी से लेके आती थी। बट अगेन हमने लास्ट 3-4 मंथ से जाना स्टार्ट किया, जॉर्ज की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और इतना अच्छा लगा मुझे जाके, इतनी नॉस्टैल्जिक हो गई, वो पुराने दिन याद आ गए जब पूरा पूरा दिन मैं लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करती थी। और बहुत अच्छी होती है यहाँ की लाइब्रेरीज, लाइक अथाह सागर है हर एक एज ग्रुप के बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, कुकिंग बुक्स, किसी और तरह की बुक्स आपको पढ़नी है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आप पैसे ही टाइम स्पेंड करना लाइब्रेरी में जाके बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रीडिंग ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के लिए, स्पेशली प्री स्कूल और बिफोर स्कूल वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेगो टाइम होता है। तो आप जाओ लाइब्रेरी में, एनरोल कराना बहुत सिंपल होता है, आपके पास पीआर कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, उसके अकॉर्डिंग वो बना देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम इस तरह के चैप्टर बुक्स लेके आते हैं केयूश के लिए, जिसमें कम से कम पिक्चर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हों। तो ये रायली रेनॉल्ड्स के ना कुछ सीरीज़ हैं, 5-6 सीरीज ऑफ बुक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, चैप्टर्स होते हैं, छोटी छोटी चैप्टर्स हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेता है तो उसको भी मज़ा आता है, वो इंटरेस्ट बना रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लाइब्रेरी जाना। यहाँ पे संडेज़ को बंद रहता है बट सैटरडेज़ को ओपन रहता है और वीकडेज़ पे भी लेट इवनिंग तक ओपन होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ और मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं लाइब्रेरी ज़रूर लेके जाओ। बच्चों को अगर रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है ना, तो लाइब्रेरी में जाके उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और हमारे घर में तो ये पूरा प्रूफ है कि केयूश को पहले रीडिंग कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। येशा हमेशा से रीडिंग उसको पसंद आता था, मे बी बिकॉज कि मैं हमेशा से उसको लाइब्रेरी लेके जाती थी और केयूश को लेके जाना हुआ नहीं, क्योंकि येशा के जो बुक्स थे मैं वही पढ़ाती थी उसको और मैं भी थोड़ा कम दे पाई टाइम केयूश को रीडिंग के लिए। दैट्स माय मिस्टेक, लाइफ में हो जाता है, कभी कभी आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट आ जाता है और कुछ और चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। बट हम लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया हमने और केयूश अब अच्छे से इंटरेस्ट ले रहा है, पहले से काफ़ी बेटर रीडिंग हो गई है केयूश की, है ना। गुड जॉब, अभी और करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, है ना। और बुक्स बहुत प्यारी चीज़ होती है, हमें अपने बच्चों को जल्द से जल्द बुक्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और कोई एज ग्रुप नहीं होता कि कब से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप डे वन से स्टार्ट करो। मैं येशा के लिए फर्स्ट बुक लेके आई थी जब वो 2 या 3 मंथ्स की थी, गुड नाइट मून, मुझे अभी भी याद है, और द हंग्री कैटरपिलर, 10 टाइनी बेबीज, द जू, बहुत प्यारी मेमोरीज हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ वो वाली बुक्स कहीं पे भी देखती हूँ ना तो मुझे वो रिलेटेबल लगता है, याद आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज, बुक वाली मेमोरीज।